हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप यू आर फाइन। और इसी वीडियो में हम बात करेंगे राधेश्याम मूवी की ओवरऑल क्या रिस्पांस आया। एंड मैंने भी देख लिया वो मूवी, तो उसका एक छोटा सा शॉर्ट रिव्यू भी करेंगे। और हाँ, सबसे जो डिमांडिंग कमेंट मेरे कमेंट सेक्शन में आया था, भाई आप कहाँ चले गए हो, अब वीडियो नहीं बनाते हो, तो इसके सारे जवाब मैं दे देता हूँ। मैं थोड़ा बिजी हो गया था, मेरे कुछ फैमिली प्रोग्राम भी था और मैं बाहर गया था, इसीलिए थोड़ा गैप हो गया था। आज के बाद से ज़रूर मैं कोशिश करूँगा हर दिन फिल्म रिलेटेड नया नया वीडियो ले आने के लिए। अब लोग बस सपोर्ट और सब्सक्राइब और खुशियाँ बस बांटते रहना। सो चलिए आज की मेन टॉपिक के ऊपर बात किया जाए, राधेश्याम मूवी। हाँ, कल कुछ दर्शक का इस तरह का रिएक्शन था इस मूवी के एंडिंग में। दोस्तों, अगर प्रवास की बात किया जाए तो लगभग 3 साल बाद उन्होंने फिर नया मूवी लेकर आया। लास्ट मूवी उनका पैन इंडिया रिलीज किया गया था, वो था शाहू, और उसके 3 साल बाद राधेश्याम मूवी आया। हाँ, इस मूवी के बारे में मैं इतना ही कहूँगा, बुरा है या अच्छा है ये तो मूवी क्रिटिक बताएगा, लेकिन सच में इसका जो विजुअल इफेक्ट है काफ़ी मज़ेदार, और मूवी के पीछे जितने सारे पैसे इन्वेस्ट किया गया है ये इसका विजुअल देख के ही पता चल रहा है। राधेश्याम मूवी तो काफ़ी बार पोस्टपोन भी हो गया है दर्शक के मन में काफ़ी टाइम से, ये सवाल था कब आएगा कब आएगा, और ये एक टाइम लूप कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस करके बनाया गया है, तो दर्शक के मन में एक क्वेश्चन भी कभी कभार आता था मूवी का स्टोरी क्या होगा, क्योंकि ट्रेलर के अंदर पूरा स्टोरी रिवील नहीं किया गया था। लेकिन जब ये मूवी ख़त्म हुआ तो दर्शक की रिएक्शन कुछ इस तरह था। हाँ, इस तरह से उन्होंने एंजॉयमेंट डांसिंग करके एंजॉय किया है। और साउथ इंडियन फैन की बात तो अब छोड़ दीजिए, क्योंकि वो तो सर पे रखते हैं प्रवास को। कल मूवी रिलीज होते वक्त ही रिव्यू आना भी शुरू हो गया ट्विटर जुड़कर, बहुत अच्छा अच्छा रिव्यू भी आना शुरू हो गया है। किसी ने बोल रहा है मूवी बहुत ही अच्छा, मूवी के जो साउंड रिकॉर्डिंग है, बैकग्राउंड म्यूजिक है, मूवी का जो विजुअल है जो सबसे ज़्यादा कनेक्ट किया है हर ऑडियंस, वह अच्छा है। फर्स्ट हाफ सेकेंड हाफ बहुत ही अच्छा किया है। लगभग 3 सालों की अपेक्षा जो किया है ऑडियंस, वो प्रवास ने निराश किया नहीं। लेकिन दोस्तों, नॉर्दर्न ऑडियंस के ऊपर अगर आप देखोगे तो बड़े बड़े न्यूज़ पोर्टल पिंक विला से शुरू करके बॉलीवुड हंगामा, MovieQuick.com, फिल्मी वेब जैसी बड़े बड़े न्यूज़ पोर्टल इसका रेटिंग बहुत ही कम दिया है, लगभग 3 के अंदर। और फिल्म एनालिटिक्स तनारदर्श ने इसका रिव्यू दिया है 2। मुझे सच में नहीं पता क्यों 2 दिया गया है, इतना भी बुरा मूवी है नहीं। लेट्स ही देखते हैं, इसका ओपनिंग कलेक्शन तो ऐसा आ गया है, एंड लास्ट तक क्या ये मूवी ब्लॉकबस्टर साबित होगा या फ्लॉप होगा। सो दोस्तों, अगर आपने भी ये मूवी देख लिया है तो नीचे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए आपका रिएक्शन। फिर मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, धन्यवाद।